I will talk about wind direction and Coriolis force. आज हम वायु की दिशा और Coriolis force पर चर्चा करेंगे. नियमानुसार उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ हवाएं चलती हैं और प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ सीधी रेखा में होता है. As per rule, the winds blow from high pressure to low pressure, and the pressure gradient is oriented from high pressure to low pressure in a straight line. नियमानुसार हवाओं को उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ सीधे चलना चाहिए, लेकिन ये सीधे ना पहुंचकर या तो आगे निकल जाती हैं निर्दिष्ट स्थान से या पीछे रह जाती हैं. This is called deflection of wind direction. और वायु में की दिशा में यह विक्षेप जो होता है वो पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है. द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इज कास्ट बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. पृथ्वी 24 घंटे में अपने किली पर धुरी पर पूर्ण एक चक्कर करती है और यह चक्कर भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक यानी पूरी पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूमती है. अतः भूमध्य रेखा पर अक्षांशों की लंबाई बहुत अधिक होने के कारण सर्वाधिक होने के कारण वहाँ पर रोटेशन की गति सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं अक्षांशों की लंबाई कम होती जाती है, अतः पृथ्वी के रोटेशन की गति भी कम होती जाती है. इस तरह से रोटेशन की गति भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है. सर्वप्रथम फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और भूशास्त्री भौतिक शास्त्री साधक G.G.D. Coriolis ने 1835 ईस्वी में इस तथ्य का अवलोकन किया था और नियम का प्रतिपादन किया था कि धरातल पर हवाएं पृथ्वी के रोटेशन के कारण विक्षेपित हो जाती हैं. विंड्स आर डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसका नामकरण उन्होंने Coriolis फोर्स या Coriolis इफेक्ट दिया था. इसीलिए Coriolis महोदय के नाम पर हवाओं की दिशा में विक्षेपण होने के प्रभाव या बल को हम Coriolis फोर्स कहते हैं. इन फैक्ट Coriolis इज नॉट इन इट सेल्फ ए फोर्स, रादर इट इज एन इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. वास्तव में Coriolis बल अपने आप में कोई बल नहीं होता है, बल्कि ये पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव होता है. अब भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति रोटेशन स्पीड सर्वाधिक होती है और वहाँ पर Coriolis फोर्स न्यूनतम होती है और ध्रुवों पर घूर्णन गति रोटेशन स्पीड न्यूनतम होती है और Coriolis फोर्स अधिकतम होती है. ये क्यों होता है, ये सवाल का उत्तर अगर आपको विशद रूप में जानना है तो किसी भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अध्यापक या MSc फिजिक्स के विद्यार्थी से संपर्क स्थापित करें और वो आपको इस विषय में विस्तृत विशद जानकारी देंगे. भूगोल के सामान्य विद्यार्थी के लिए अध्यापकों के लिए बस इतना जान लेना जरूरी है कि Coriolis बल के कारण प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं. द विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड दस साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑफ एयर इज फॉर्म्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी साइक्लोन एयर सर्कुलेशन इज फॉर्म्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर. अतः उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती वायु संचार और दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिचक्रवाती संचार का जनन होता है. अब देखिए उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब से यानी 30°-35° अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं, लेकिन चूंकि भूमध्य रेखा पर रोटेशन की स्पीड बहुत अधिक होती है इसलिए हवाएं अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के बजाय पीछे छूट जाती हैं और ये
उत्तर पूर्व व्यापारिक और दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाओं के रूप में प्रवाहित होती हैं। इसी तरह से उपोष्ण कटिबंधी यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से मिडिल लैटिट्यूड लो प्रेशर बेल्ट या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यानी 60 अंश और 65 अंश अक्षांशों के बीच में जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, तो चूंकि उत्तर या दक्षिण जाने पर रोटेशन की स्पीड कम होती जाती है, अतः ये हवाएं अपने निर्दिष्ट स्थान से आगे पहुंच जाती हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी पछुआ हवा और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिमी पछुआ हवा कही जाती हैं। अब तीसरा, ध्रुवीय उच्च वायु दाब से हवाएं जो मध्य अक्षांशीय निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं, यहां पर हवाएं पीछे छूट जाती हैं और ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा से चलती हैं दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव से जो हवाएं सब पोलर या मिडिल लैटिट्यूड लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवाएं चलती हैं जो वो इसी तरह से मुड़ जाती हैं। अब ये वायु दाब की पेटियां जो भूमध्य रेखीय वायु दाब की पेटी है, ये तापमान जन्य है, अत्यधिक सूर्यातप के कारण उत्पन्न होती है, और ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी भी तापजन्य है, मीन्स थर्मली इंड्यूस्ड है, जबकि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और मिडिल लैटिट्यूड लो प्रेशर बेल्ट डायनेमिकली इंड्यूस्ड हैं। ये गतिजन्य हैं क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में हवा ऊपर उठती है, न्यून वायु दाब बनता है, जबकि 30-35 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में हवा ऊपर से नीचे बैठती है, इसलिए वहां पर उच्च वायु दाब बनता है। और मध्य अक्षांशीय जो निम्न वायु दाब क्यों बनता है, तापमान के कम होने पर भी वहां पर हवाएं पृथ्वी की गति के कारण फैल जाती हैं। एक बाल्टी लीजिए, उसमें आधा बाल्टी पानी भरिए और हाथ डाल के जोर से हिलाइए उसको, और देखेंगे आप कि पानी दीवारों पर चढ़ जाता है और बीच सेंटर में खाली रह जाता है। यही हाल वहां है, इसलिए दैट इज कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड। तो कोरियालिस प्रभाव या ये प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, जो हवाओं की दिशा को प्रभावित करता है। कोरियालिस फोर्स अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड, नॉट द स्पीड ऑफ द विंड। और इसी आधार पर आगे चल करके हवाओं की दिशा में फेरल महोदय ने नियम का प्रतिपादन किया कि द विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और दबाव के क्षेत्र को लेकर के 22 बैलेट महोदय ने नियम बनाया कि अगर हम हवा जिधर से आ रही है उधर पीठ करके और जिधर की तरफ जा रही है मुख करके खड़े हों, तो दाहिने हाथ की तरफ जो है वो उच्च वायु दाब होगा और बाएं तरफ निम्न वायु दाब होगा उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होगा। साथियों, अब आगे हमें वीडियो जारी करेंगे कि नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी प्रतिक्रिया कितनी होती है, आप कितना देखते हैं, कितना कमेंट करते हैं। निर्भीक होकर के आप जो है इसमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, सार्थक पूछ सकते हैं। हम सभी कमेंट का जवाब देते हैं, जो पॉजिटिव कमेंट होते हैं, जो समझ में नहीं आता है, मेरे समझ में आएगा तो तुरंत बता देंगे, नहीं आएगा तो खोज करके बताएंगे, फिर भी नहीं आएगा तो मैं ईमानदारी से कह दूंगा कि मुझे नहीं आता है। लेकिन इसको जो है आप कितना देखते हैं उस पर निर्भर करता है, और कितना आप में चाहत है, अन्यथा आज के बाद हम वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे। और मेरे बचपन के जो अनुभव थे उसको देखने में पहले काफ़ी अभिरुचि लोगों को थी, अब धीरे धीरे वो इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, इसलिए अब मैं उसे आगे तभी पोस्ट करूंगा जब आप में से एक दो नहीं बहुत से लोगों द्वारा मांग की जाएगी। अगर आप चाहते रहेंगे तो आगे हम ये क्रम जारी रखेंगे और फिर ट्राई सेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर पर बात करेंगे, हम एल नीनो और ला नीना पर बात करेंगे, हम इनके प्रभाव को मानसून पर भी बात करेंगे और मानसून की क्रिया विधि पर भी बात करेंगे, लेकिन आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। धन्यवाद।